बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूफशीन जहांगीर। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, स्पाइसी चिकन स्पैगेटीज। जी हाँ, जो बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम बहुत चटपटा और देसी तरीके से बनाएंगे, जिसके लिए मैंने सब्जियाँ ले ली हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, टमाटर है, बंद गोभी है, एक गाजर है, लहसुन के जवे हैं और प्याज है और हरी मिर्च है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको जो है वो साथ साथ आके बताती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सारी चीज़ों को कट कर लिया है, यानी कटिंग कर ली है, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसी तरह इनको सेट कर लिया है, क्योंकि वन बाय वन हमें ये सारी वेजिटेबल को यूज़ करना है। अब मैंने पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए, जिसमें मैं स्पैगेटीज को करूँगी बॉयल। जी हाँ, और इसमें मैंने एक टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल का शामिल किया था और दो टेबल स्पून मैंने सॉल्ट के ऐड किए थे। और यहाँ पर तकरीबन हमें इसको 5 से 10 मिनट तक बॉईल करना है, बहुत ओवर कुक नहीं करना है कि बिल्कुल ही ये टूटने लगी। और ये मैंने 1.5 पैकेट स्पैगेटीज का लिया है, एक मेरे ख्याल से बेक पॉलर की ब्रांड थी, एक कोई दूसरी थी, इसलिए इनके कलर थोड़े आप लोगों को चेंज लग रहे होंगे। तो यहाँ पर आप सब्जियाँ देख सकते हैं कि मैंने किस शेप में जो है वो कट की हैं। आप कोई सी भी शेप में कट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और पहले मैं इन वेजिटेबल को करूँगी फ्राई, क्योंकि जब भी कोई हम चाइनीज़ टाइप की रेसिपी बनाते हैं तो उसको हम बहुत ज़्यादा जो है नहीं पकाते हैं। और सब्ज़ियों का कलर अगर एज इट इज़ रहे, ज़्यादा जो है वो फेड ना हो, तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर देंगे तो सब्ज़ियों का जो कलर होता है ना वो ज़्यादा जो है वो ख़राब नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। तो ये भी आप आजमा के देखिएगा। तो वहाँ पर जो है वेजिटेबल फ्राई हो गई हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने ऑयल में जो है वो प्याज शामिल कर दी है। अच्छा, इसको चाइनीज़ और देसी दोनों के तरीके से मैं बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग जो है चटपटा खाने के भी शौकीन होते हैं। अगर आप लोग ओरिजिनल चाइनीज़ खाएंगे ना तो फिर ये इस तरह के जायके भूल जाएंगे, क्योंकि वो वाकई में बहुत फीका होता है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन जो है वो चॉप की हुई थी, वो प्याज जब ब्राउन हुई तो उसमें शामिल कर दी है, और साथ में जो है वो चिलीज़ भी इसके अंदर चली गई हैं। आपने हिसाब से जितना तेज़ खाना चाहते हैं आप उसी हिसाब से जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस स्टेज पे मैंने टमाटर के अंदर शामिल कर लिए हैं। मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इससे जो है वो टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा और बड़े जूसी टाइप के बहुत ज़बरदस्त से ना स्पैगेटीज़ बनेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है इसमें यूज़ कर रही हूँ, तो एज़ इट इज़ आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। तो टमाटर को जो है गलाने के लिए मैं थोड़ा सा वेट करूँगी, ये अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर आगे के मसाला जात हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि स्पाइसी चिकन स्पैगेटी बन रही है तो स्पाइस का होना तो लाजमी बनता है। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ और साथ साथ बस इसके अंदर स्पाइसेस भी शामिल करती रहूँगी। और मैंने पहले ही बताया था कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो क्वान्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सॉल्ट इसके अंदर हस्बे ज़रूरत ऐड किया है, और इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है चिली फ्लेक्स। जी हाँ, कुटी हुई लाल मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है और इसको अच्छी तरीके से मैं भुनाई कर रही हूँ, क्योंकि हमने फटाफट और खटाखट जो है वो सारा काम करना है। तो यहाँ पर जो है साथ साथ भुनाई भी हो रही है ताकि मसाला नीचे से ना लगे, और साथ साथ मैं इसको अच्छी तरीके से कूट भी रही हूँ, क्योंकि अगर ये टमाटर सामने नज़र आएंगे ना तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से भुने हुए होने चाहिए। चलिए, अब इसमें हम नेक्स्ट जो मसाला यूज़ कर रहे हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। अब इसके अंदर जा रहा है, जी हाँ, काली मिर्च का पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टी स्पून भर के लिया है, और अब साथ में जाएगा चिली सॉस, वेनेगर और सोया सॉस, ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के तीनों लिए हैं। इससे ज़रा चाइनीज़ का एक ना लुक भी आ जाता है और टेस्ट में भी पता चलता है, तो इसलिए मैंने ये तीनों सॉस जो हैं यूज़ किए हैं। और जब भी सिरका डालें तो थोड़ा कम डालें, कि उसमें वैसे ही वो सिरका बहुत सॉल्टी होता है, तो आप जो है चेक कर लिया करें। तो साथ में मैंने जो है वो टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस ये भी इसके अंदर ऐड कर लिया है। ये मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया है, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का स्पाइसी और जूसी चिकन स्पैगेटीज। तो इसकी मैं बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं जो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ
ये हैं चिकन के चंक्स, जी हाँ, जो केन के मैंने यूज़ किए हैं, और ये इतने ज़बरदस्त होते हैं कि अगर आपने कभी सैंडविचेस बनाने हैं या कोई इमरजेंसी में आप कोई वाइट ओट्स खा रहे हैं तो उसके अंदर ये आप शामिल कर देंगे, क्योंकि ये कुक्ड होते हैं। बस इनको आपने थोड़ा सा जो है वो डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है, या किसी चीज़ में आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें डालेंगे तो ये बिल्कुल जो है तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन के चंक्स लिए हैं। तो ये फटाफट और खटाखट वाली रेसिपी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये अपने घर में भी रख लें तो बहुत आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे सैलेड हो गया, और जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी आप सैंडविचेस वगैरह बना रहे हैं, रोल बना रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसानी से जो है आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इनको भून लिया है, और साथ में जो मैंने वेजिटेबल को फ्राई किया था वो भी इसके अंदर शामिल कर दी है। तो आपने देखा कितनी जल्दी से हमारी स्पाइसी चिकन स्पैगेटी हो गई है तैयार। तो आप भी लाजमी इसी तरह से जो है वो करिएगा तैयार, और दांत वसूल कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, इमरजेंसी में कोई आ गया है, तो आप ये रेसिपी उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो वेजिटेबल है हर वक्त जो है किसी के घर में नहीं होते हैं तो ये ज़रा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हैं कि दूसरी चीज़ें तो मौजूद होती हैं, तो आप वेजिटेबल मंगा के जो है वो फटाफट और खटाखट जो है वो इस तरह बना लीजिएगा। तो देख सकते हैं कितने मज़े की और बहुत जूसी जो है वो स्पैगेटीज जो है वो तैयार हो रही हैं, और यहाँ पर साथ में मैंने स्पैगेटीज भी इसमें शामिल कर ली हैं, और इसको करूँगी मैं अच्छी तरीके से मिक्स। अच्छा, स्पैगेटीज जब आप ड्रेन करते हैं ना, ड्रेन करने के बाद ठंडा पानी इसके अंदर जो है वो शामिल कर लीजिएगा और फिर इसको ड्रेन कीजिएगा, तो कभी भी आपकी स्पैगेटीज चिपकेंगी नहीं, क्योंकि इसमें हमने पहले से ही ऑयल और सॉल्ट भी शामिल किया हुआ था, तो एक्स्ट्रा कुछ डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह से जो है स्पाइसी चिकन स्पैगेटीज हो गई है फटाफट और खटाखट तैयार, और एंड में इसमें मैंने थोड़ा सा और चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर लिया है ताकि और मज़े की जो है वो स्पाइसी हो जाए। और यकीन माने कि ऊपर से कोई और चीज़ इसमें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि सारे मसाले और सारी चीज़ें थी एकदम से परफेक्ट। तो देख सकते हैं इसका फाइनल लुक, मुंह में पानी आ रहा है। तो ज़रूर बना के खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। तो ये आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी है मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में शामिल। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।